हेलो एंड वेलकम टू डिड यू नो। मैं तुलिका एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में। डिड यू नो दैट गुजरात की जीडीपी पिछले 12 सालों से 12% के रेट के हिसाब से बढ़ रही है, जो कि चाइना की जीडीपी जितनी फास्ट है। इंडिया के 25 रिचेस्ट लोगों में से 10 लोग सिर्फ गुजरात से है, जिसमें भारत के सबसे अमीर मुकेश अंबानी भी शामिल है। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग ही इज द 5th richest person in the world, worth $43 billion। विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी वर्ल्ड के 21st richest person हैं। वो वर्थ $17 billion। गुजरात के सर्वधर्म संभाव कल्चर की वजह से पारसी, जैन, मेमोन, बनिया, खोजाज और बोहरा सब गुजराती ही बोलते हैं। और यहाँ की 55 मिलियन पॉपुलेशन भारत की कुल 5% है और देश की 6% सरफेस एरिया में रहती है, लेकिन ऑल इंडिया के स्टॉक्स को होल्ड करती है। इंडिया का 16% एक्सपोर्ट और 17% जीडीपी सिर्फ गुजरात से ही होता है और यहाँ के लगभग 0.7 मिलियन लोग एम्प्लॉय हैं। अब गुजरात का नाम आए और सूरत की बात हो तो सिल्क तो अछूता रह ही नहीं सकता। इंडिया का 40% आर्ट सिल्क सिर्फ गुजरात के सूरत शहर में ही बनता है। हम गुजरात की बात करें, अहमदाबाद, सूरत की बात करें, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बड़ौदा की बात ना हो। डू यू नो बड़ौदा की हिस्ट्री 812 एडी से है। And did you know, इस शहर को चंदनमती, अनकोटका, वटपत्रक, वीरावती के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज इसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए उस समय में इसको बड़ोदरा के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम बड़ोदा हो गया, लेकिन 1974 में इसे वडोदरा का नाम दिया गया। 1907 में यूएस के मिचिगन में एक गाँव और टाउनशिप को भी बड़ोदा का नाम दिया गया था। और अब 2014 में इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अगली बार, क्योंकि अब मेरा समय हो गया है जाने का। टिल वी मीट नेक्स्ट, आप अपने सजेशंस, फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। कोई अच्छी और नई ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।